राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर सोमवार को कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए वह टूलकिट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और टूलकिट गैंग है। राहुल गांधी उनके एजेंट है। राहुल पीएम मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पिछले कुछ साल में देखा जा रहा है कि जब संसद सत्र शुरू होता है उसी समय ऐसे आरोप सामने आते हैं। पीएम पर डॉक्यूमेंट्री हिंडनबर्ग रिपोर्ट उदाहरण है। साफ है कि विपक्ष के तार विदेशों से जुड़े हैं। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर लगे आरोपों के बाद राहुल गांधी ने पूछा था कि अगर निवेशकों को नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। पीएम जेपीसी जांच से क्यों डरते हैं, यह अब पूरी तरह साफ हो गया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।